जैसे मैं अब आपसे मिल रही हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने हेलो बोला था, पर वॉइस नहीं थी ना, मतलब वैसे नहीं था फेस के पता एकदम सामने से मैं अब बात कर रही हूँ। पसीना, उफ ये पसीना, ये जान ले लेगा पसीना। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अगेन अगेन बार बार यही बात बोलती रहती हूँ मैं। और अभी जो टाइम हुआ है 7:30 का हुआ है, देख सकते हो आप, तब से मैं अब फ्री हुई हूँ। जहाँ फ्री क्या हुई हूँ, वीनू के साथ ही लगी हुई थी, कभी रोना कभी कुछ कभी गर्मी ऐसी हो रहा था। अब जाके उसके पापा उसको लेके गए छत पे, वो छत पे अपने पापा के साथ टहल रही है। मुझे नीचे, वो लाइट बंद कर दी थी, मुझे नीचे करना है थोड़ा काम किचन का। एक्चुअली गर्मी पहले थोड़ा बहुत राशन कल ये जाके लेकर आए थे, तो उस राशन को भी मुझे सेट करना है। कल ये इजी डे गए थे, पर इजी डे बंद था, पता नहीं क्यों बंद था। मैं पहले सोची थी उसकी ऐप डाउनलोड कर लूँ और कर लूँ डिलीवरी, घर पे हो जाएगी डिलीवरी तो अगर मंगवाऊँगी तो, पर वो भी मैंने नहीं की। इन्होंने कहा मैं जाके आता हूँ और देख के आता हूँ क्या चीज़ किस हिसाब से है, वैसे ले आऊँगा मैं। तो ये गए तो इजी डे बंद था, तो फिर ये उस इजी डे के सामने ही जस्ट सामने विशाल मेगा मार्ट है, तो विशाल में चले गए थे। वहाँ से भी सारा सामान जो मैंने मंगवाया था सब नहीं मिला, मतलब मेरी चॉइस का जो मुझे चाहिए था मिल रहा था, पर मुझे रेट ज़्यादा लग रहा था। सच बता रही हूँ, मुझे जैसे वैसे हम मंगवाते हैं उससे रेट ज़्यादा लग रहा था। जब मैं इनसे फ़ोन पे बता रहे थे कि इसका इतना, तो जब मैं तो डेली जो एक हाउस वाइफ है अपने घर का राशन भरती है, उसे हर चीज़ का आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ का कितना रेट है, तो कई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रेट लग रहा था, तो मैंने नहीं मंगवाया था। तो कुछ सामान मुझे अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, मैंने फ्लिपकार्ट भी जो है कर रखा है अपना, बोलते हैं ना उसको, लिस्ट बना रखी है, बस उसको ऑर्डर करना है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ क्योंकि पीछे से आ रहा है फोन, तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं आपसे कल शाम से अब मिल रही हूँ। आज ये मेरा व्लॉग एक दिन का नहीं है, दो दिन का व्लॉग हो गया। कब से शुरू हो गया, कब से कब तक हो जा रहा है, टाइम का कुछ पता ही चल रहा है। इतने काम है ना कि नहीं बना पा रही मैं व्लॉग, तो अब कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो मैं कल आपसे बात कर रही थी कि विशाल से सामान लाए थे, तो इस तरीके से इकट्ठे में रखा हुआ है, और थोड़ा एक दिन हमने इसको पूरा क्वारंटाइन में रखा, मतलब अलग से रखा। और अब जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ आपको क्या क्या है अनबॉक्सिंग, मतलब क्या क्या लेकर आए। सबसे पहले बिस्किट है मेरे गोल्ड के, 6 का पैक था, एक मैंने निकाल लिया है, ये था, क्योंकि सब कुछ घर में ख़त्म हो रहा है, सब कुछ राशन पानी होते हैं। ये है जवे, मीठे या नमकीन कैसे बना सकते हैं, एक मैगी का पैकेट। ये इसमें थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और आमचूर है, आमचूर आम का पाउडर होता है ना, वो खटाई के लिए। एक नवरत्न मिक्सचर, सब चीज़ ख़त्म थी घर में से, मतलब दाल भी ख़त्म थी, चावल आटा है, मसाले हैं, बस ये सब सामान ख़त्म हो गया था। और ये चीज़ें एक बार ला के फिर काफ़ी टाइम तक चलती हैं। और आएंगे के लिए दालें, ये तो शायद लूज दाल है, पता नहीं कौन सी दाल, अभी खोल के नहीं देखा। बाकी दाल के इस तरीके से पैकेट्स हैं, फास्ट पॉप करके, ये 1 kg, 1/2 kg, जैसे मैंने बिल बना के दिया था उसके अकॉर्डिंग। उड़द की दाल बहुत महंगी हो रही है, उड़द की और पीली वाली कौन सी दाल थी, मूंग की, वो दाल का रेट अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है। अगेन ये 1 kg, ये 1 kg है, इसके साथ एक फ्री है, ये 2 fortune, और ये मूंग की दाल। आजकल गर्मियों में पेट वेट खराब होने की बहुत शिकायत होती है, तो ये ज़रूरी है घर में होना। और आए हैं कुछ डिटर, ये अभी निकाल के दिखाती हूँ पहले से बाहर निकल जाए तो। इस बार मैंने इस तरीके के ये साबुन विम बार के छोटे छोटे साबुन मंगवाए हैं, ये 5-5 रुपए वाले साबुन है, क्योंकि वो 10 रुपए वाला और होता है उसका पैक लाते थे हम, तो वो क्या होता है गलता बहुत है और गल गल के आधा वैसे ही वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये छोटे छोटे ट्राई करके देखे। तो ये 6 साबुन ये हैं, ये इस तरीके से पता चल जाएगा, एक बार हर चीज़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था जो मेरी विशाल से शॉपिंग करी गई थी ये, और
काफी चीजों का प्राइस ऊपर नीचे था, काफी का ठीक भी था। जो जिसका प्राइस मुझे ठीक लगा वो सामान मैंने मंगा लिया, और बाकी चीजों का मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पे लिस्ट बना के रखी है, वो अभी भी मैंने ऑर्डर नहीं किया है। एक्चुअली कल शाम को कॉल आया, मेरी भाभी का आया था, फिर मैं बात करने लगी, उसके बाद फिर मुझे सब्जी लेने जाना था, फिर खाना बनाना सब कुछ करना, फिर वही रात में खाना बनाना, बर्तन बर्तन धोना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग आगे शूट करना है। और अभी मैं जस्ट ये सब सामान लगाने जा रही थी तो तब मुझे ध्यान आया, अरे मेरा तो कल का व्लॉग भी पड़ा हुआ है, उसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसी मैं कल से, कल भी बोला था आपको ये सब सामान दिखाऊंगी। सामान दिखाने के चक्कर में ये सब सामान मैंने ऐसे फैला दिया है, तो अभी फिलहाल मैं इसको जल्दी से इस सारे सामान को उसके प्लेस पे रख देती हूँ, जगह पे रख देती हूँ, वरना ये यूं ही फैला रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले इसको फटाफट से रख देती हूँ। ये पैकेट्स वाला जितना भी सामान है ना, मैं फिलहाल मैं उस वाले अपने ड्रॉर में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा सारा अधिकतर सामान वहीं पे रहता है, तो इसको पहले मैं वहाँ अरेंज कर दूँ। ये देखिए इसमें रहता है अधिकतर सारा सामान। ये तो अरेंज हो गया इधर, और अब बाकी दो पैकेट, और जिसमें से अभी मैं आपको ये बनाऊंगी नमकीन जवे, नमकीन जवे ही बोलते हैं शायद, नमकीन सेवियाँ जो होती हैं वो बनाऊंगी अभी, इसको बना रखती हूँ। इस साबुन इसको डाल देती हूँ पीछे की तरफ, डालूंगी मैं डब्बों में, तो अभी दालें नहीं गई साइड में रखती हूँ, इनको डब्बों में अरेंज कर लूंगी। ये रहा हमारा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, तो इसको डाल देती हूँ बाहर, इसको भी अरेंज करना है, इसको भी एक्चुअली रखना है, फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ। ये बंद, अब निकाल लेती हूँ डब्बे, जो जिसका डब्बा है दाल अरेंज कर देती हूँ उसमें, किसी किसी में कुछ कुछ है शायद, अगर कुछ होगा नहीं खाली होंगे तो फिर मैं पैकेट समेत डाल दूंगी। एक डब्बा ये खाली है, तो पहले मैं अरेंज करूं इनको। तो ये बड़ा डब्बा है, तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ काले चने, ये इतना आने के बाद इसमें स्पेस आई थिंक दिख रहा है, तो कौन सी दाल डालू समझ नहीं आ रहा, तो ये वाला पैकेट इसके साथ जाएगा अगर तो। नहीं सेफ नहीं रहेगा, पैकेट्स की दाल पैकेट्स में डालेंगे। ये मेरा बड़ा डब्बा है जिसमें मैं सारे दाल इस तरीके से अरेंज कर दूंगी। ये कभी आपके साथ भी ऐसा होता है जो कि मेरे साथ हुआ, पूरी वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे हिसाब से वीडियो चल रही है, मैं सारी दालें निकाल निकाल के डाल रही हूँ, बोले जा रही हूँ, और वीडियो देखा तो कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया, तो किस किस के साथ ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ बताना। आज बहुत फनी वे हो गया मेरे साथ ही, कैमरा ऑन करना भूल गई हूँ और चला रही हूँ, चल रही है वीडियो बन रही है, तो चलो मैं दोबारा तो वो चीज़ अब शूट नहीं कर सकती क्योंकि वो हो चुका है, दोबारा मैं उनको पैकेट्स में डाल के दोबारा इतनी मेहनत तो करूँगी नहीं, सभी को पता है दाल कैसे रखनी है, ठीक है ना, तो बस एक ही दाल दिखा पाई और मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया। फिर मैं कह रही हूँ कैमरा बंद करने जा रही हूँ, तो देख रही हूँ कि कैमरा तो चल ही नहीं रहा था, तो बंद क्या होएगा, तो बहुत बड़ा आज मेरे साथ हो गया, पचका जिसे बोला जाता है, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ फिलहाल इसको, तो इसको रखते हैं बॉयल होने के लिए, और प्याज टमाटर में इसको बनाऊँगी, मटर है नहीं है तो मटर कैसे डालूँ, तो सिर्फ प्याज टमाटर, मीठी नमकीन कैसे भी बना सकते हैं, तो मैं बना रही हूँ इसको नमकीन। तो अब मैं ये मिक्स करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि पहले से थोड़े से ये वाले बैम्बिनो की क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं जवे, ये पके हुए हैं, तो थोड़ा ये और थोड़ा वो दोनों मिक्स करके बना दूंगी।
ये वाले रोस्टेड है आपको, बट जो अब पैकेट खोलूंगी ये रोस्टेड नहीं है, पक तो जाएगा ये। तो आज ये मिलावट करके ये दोनों इतने, इसको मैं बॉईल होने रख देती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने कर लिए कपड़े चेंज, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है किचन में और आजकल ये सब कपड़ों में काम नहीं होता सूट वगैरह में। और बना लिए मैंने ये नमकीन सेवैया, टेस्टी बनी जिसे मैं खा रही हूँ। और अभी मैं फिलहाल ब्लॉग, मैंने इसकी इसका रेसिपी शूट नहीं करी है, अगर आप बोलोगे तो किसी नेक्स्ट स्पेशल मतलब सिर्फ इसकी इंडिविजुअल रेसिपी शूट करके आपको दे दूंगी, पर अभी मैंने शूट नहीं करी है। तो बस अब मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।